लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी फॉर इनोवेटिव को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। तो दोस्तों, इस ऑफर का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा। हम आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने amazon.in से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीद पर 10% तक के कैश बैक की पेशकश की है और देश के सबसे बड़े कर्ज देने वाले बैंक ने इसकी घोषणा उनका जो ऑथराइज ट्विटर हैंडल है उस पर, जिसका नाम है @officialSBI पर दी है। SBI का ये ऑफर Amazon की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और मोबाइल साइट से सामानों की खरीदारी पर ही लागू होगी और इस ऑफर का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा। ट्वीट में कहा गया है कि SBI कस्टमर्स के लिए Amazon पर ये ऑफर सिर्फ 10 अप्रैल 2000 यानी कि कल तक ही लागू रहेगा। कल तक ही आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। Amazon पर SBI का कैशबैक पाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको खरीदारी करने में कुछ आसानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी मान्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर ही इसका लाभ या इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि रुपे डेबिट कार्ड वालों के लिए ये ऑफर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये है कि SBI ने कहा है कि ये ऑफर केवल कुछ चुनिंदा सामानों के लिए ही है, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, चिमनी और डिशवॉशर जो कि Amazon पर 5000 रुपये या उससे ज़्यादा का मिलता हो। तीसरी कंडीशन ये कि इस ऑफर के तहत एक कार्ड होल्डर केवल एक कार्ड पर 1750 रुपये तक की कैशबैक का फ़ायदा उठा सकता है। चौथी कंडीशन है कि ऑफर कैश ऑन डिलीवरी कस्टमर्स के लिए भी लागू होता है, जैसे कि इस ऑफर के दौरान अगर कार्ड होल्डर सिर्फ Amazon से ही सामान खरीदते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज़ है कि डिलीवरी के दौरान अगर कार्ड होल्डर सहयोगी के द्वारा लाए गए मशीन के माध्यम से ही पेमेंट करता है, मतलब आप कैश ऑन डिलीवरी जब आपके घर पर आएंगी चीज़ें और अगर उस जो आपका मशीन लेकर आएगा, ठीक है, अगर आप उसी टाइम पेमेंट करते हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जो पांचवी कंडीशन है वो ये है कि SBI के रुपए कार्ड धारकों को छोड़कर अन्य SBI के कोई भी कार्ड होल्डर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और SBI के जो इंटरनेट बैंकिंग से किए गए पेमेंट इसमें मान्य नहीं होंगे। तो वहीं SBI डेबिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो त्रावणकोर है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, इसके द्वारा अगर जारी किए गए तो भी वो काम में आएंगे और यूज़र्स को इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, Amazon के पास ये अधिकार है कि वो बिना भी, मतलब किसी भी टाइम बिना आपको सूचित किए इस ऑफ़र में कोई भी बदलाव कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, शर्तों को चेंज कर सकता है, कोई भी इस ऑफ़र को चेंज करके ऑफ़र लाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि साबित जो सातवीं टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि कैशबैक की राशि जो कार्ड होल्डर के अकाउंट में 10 जुलाई 2018 तक जमा की जाएगी, 10 जुलाई 2018 तक, और कैशबैक से संबंधित अगर किसी भी दूसरी जानकारी के लिए अगर आपको पता करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप 10 अगस्त 2018 तक ही उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आप उनसे कोई भी मदद मांगते हैं, जानकारी मांगते हैं, तो बैंक या Amazon आपकी मदद नहीं करेगा। और इन ऑफर्स और शर्तों को उन्होंने कहा है कि भारत के कानून के द्वारा लागू किया जाता है, कोई भी विवाद होता है तो मुंबई हाईकोर्ट में ये सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप 10% का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप 5000 की कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको 500 रुपये का फ़ायदा होगा, अगर आप कोई 10000 की चीज़ लेते हैं तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाएगा, 1750 रुपये का आप अधिकतम कैशबैक या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का फ़ायदा आप उठाइए अगर आप चाहें तो, और इसकी लिंक अगर आप Amazon से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पर जाकर भी क्लिक करके कोई भी चीज़ ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।